मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक और खुश आमदीद एटीवी मॉर्निंग में। आज हम मिलने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड अपकमिंग स्टार्स से, बल्कि दे आर ऑलरेडी स्टार्स, इसलिए कि खूबसूरत आवाज़ें हैं, बेहतरीन गाते हैं। हम किसी कॉन्सर्ट में चले जाएं तो इनसे मुलाकात होती है, किसी शो को देखें तो वहाँ पे इनसे मुलाकात होती है, और इनके अपने चैनल्स देखें तो बहुत से लाइक्स हैं। इसका मतलब ये कि आप सबको बहुत पसंद आते हैं और मेरे तीनों बहुत पसंदीदा हैं। आपने वक्तन फवक्तन में मुझे इनके साथ देखा होगा किसी शो में, किसी जगह पे, बिकॉज दे हैव ब्यूटीफुल वॉइसेस एंड दे हैव ग्रेट टैलेंट। सो आज सबसे पहले मैं जिसको यहाँ पे बुलवाने जा रही हूँ, उनके तो वालिद साहब की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप सब लोग भी होंगे। ये एक बहुत बड़ी फैमिली जो कि हमेशा से ये काम हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने आवाज़ इस फैमिली की नहीं सुनी। दे वर ऑलवेज कमिंग ऑन स्क्रीन थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वो प्ले करते थे। उस्ताद रईस खान साहब को कौन नहीं जानता, एक वंडरफुल वायलिनिस्ट, इतना खूबसूरत वायलिन प्ले करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ही हैं जो कि इस दर्जे का वायलिन जो है उसको बजा सकें। लेकिन उनका बेटा जो कि गाना शुरू किया है, तो इतनी मधुर, इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत आवाज़। सो लेट्स वेलकम एंड लेट्स हियर उस्मान रईस। कैसी गुजर रही है जिंदगी वैसे? बहुत अच्छी जी, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। एंजॉयिंग योर लाइफ एज सिंगर? हाँ, कभी डाउट नहीं हुआ कि यार इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना अच्छा मुझे हो गया और जितना पैशनेटली मैंने काम किया है, तो मेरे फादर बहुत प्राउड है मेरे से, इससे ज्यादा बेहतर क्या बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और फिर फादर भी अगर उस्ताद रईस खान हो और अगर वो प्राउड हो तो दैट इज रियली समथिंग। अच्छा, अब मैं अपने दूसरे जिस मेहमान को बुलाने जा रही हूँ, उनसे तो मेरा साथ बहुत पुराना है। जब मैं लाहौर में शो किया करती थी तो मेरे हर शो में तकरीबन जो है ये होते थे, और उससे पहले भी आप इनको और उसके बाद भी बहुत सारे शोज़ में आप इन्हें परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं, वो भले कॉन्सर्ट्स हों या फिर टेलीविजन के शोज़ हों। सो लेट्स वेलकम वेरी टैलेंटेड इमरान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपका? क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? जबरदस्त, शुक्र है। आप लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तानी इमरान हाशमी भी हैं। वरना जब हम इमरान हाशमी कहते थे तो यही समझते थे कि हम पता नहीं इमरान हाशमी को बुलाने जा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही, जबरदस्त। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। आज फाइनली वी आर मीटिंग इन इस्लामाबाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन इस्लामाबाद। सो अब मैं इस सिंगर को बुलवाने जा रही हूँ। शी इज़ यंग, टैलेंटेड, शी इज़ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अब मुझे नहीं पता कि अगर डॉक्टर बाय प्रोफेशन है तो सिंगिंग में भी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, तो सोचिए इस छोटी सी उम्र में अगर उन्होंने इतना बड़ा एजाज़ हासिल कर लिया है तो आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या क्या कमाल जो है वो हमें दिखाएंगी। सो मेरे साथ हैं बहुत टैलेंटेड मेहर अंजुम। अस्सलाम वालेकुम मेहर, हाउ आर यू? मैंने सुना है कि भाई कोई जबरदस्त से कोई 2.9 मिलियन इन अ वीक। इन अ वीक। सो इससे पहले कि हम बातें करना शुरू करें, लेट्स हियर द ट्रैक। श्योर श्योर, ठीक है। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मुझे बताओ कि वाकई कदमों में सर रख दूं वाली सीन है? नहीं है ना? क्या करिए, फिर आप ही बाबा देख रहे होंगे। अच्छा, तो गाना गाते हुए नहीं बाबा देख रहे थे? नहीं, लिरिक्स तो ऑब्वियसली सॉन्ग्स में अक्सर ऐसे लिरिक्स होते हैं जो के गाने पड़ते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज से गुजर चुके हैं या ये वो। लेकिन सिंगर जो है ना, वो डिलीवर अच्छे तरीके से सिंगिंग उसी वक्त कर सकता है अगर वो लिरिक्स को फील करे, ये बात है। तो अब फिर मतलब क्या हुआ कि कदमों में सर रखने वाला सीन है कि नहीं है? क्या हाँ नहीं, यस नो? नो नो, आई फील कि ये लाइन जो है थोड़ी सी राइटर को सोच समझ के लिखनी चाहिए थी इस ओएसटी में। पर्सनली मुझे लगता है कि ये लाइन इतनी एप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, ठीक है, चले। बहुत सारे लोग एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। 2.9 मिलियन लाइक्स का मतलब है कि पीपल एग्री कि कदमों में सर रख ही दो। सो ये इसमें उनको कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने सुना था कि लड़कियों को साथ नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन लड़कों को भी साथ नहीं बिठाना चाहिए। लड़के भी जो है ना वो बाज नहीं आते, लेकिन वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं दोबारा। स्टे विद अस। Morning with Farah।